नमस्कार दोस्तों, महाराजा सुहेलदेव के वंशज आज भाजपा नेताओं के आगे नाक रगड़ रहे हैं। सिर्फ एक सीट के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस अपमान को भी बर्दाश्त कर लेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर को भरी सभा में सैकड़ों बीजेपी नेताओं के सामने बीजेपी के डिप्टी सीएम ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक पहले अरविंद राजभर को घुटनों पर लाए, फिर जमीन पर सिर रखवाया, फिर घुटनों पर लाए और बस जमीन पर नाक रगड़ना ही बाकी रह गया था कि बिना जमीन पर नाक रगड़वाए छोड़ दिया। इस अपमान के बदले अगर 100 सिंहासन मिलते तो महाराजा सुहेलदेव ऐसे 100 सिंहासनों को ठोकर मार देते। ये तो एक घोसी की सीट की बात थी। बीजेपी के सामने घुटनों पर आए महाराजा सुहेलदेव के वंशज जय श्री राम का नारा लगाते हैं और अपना विष पी जाते हैं। दोस्तों, ब्रजेश पाठक के बगल में अगर अरविंद राजभर ना होकर सपा से आया हुआ कोई ब्राह्मण उम्मीदवार होता, कोई ठाकुर उम्मीदवार होता, तो क्या ब्रजेश पाठक के कहने पर वो बीजेपी नेताओं के सामने घुटनों पर आकर अपनी नाक जमीन पर रखता? क्या ब्रजेश पाठक सपा से आए हुए या फिर पहले बीजेपी को गालियां देने वाले किसी सवर्ण उम्मीदवार को घुटनों पर ला पाते? क्या कोई और ब्रजेश पाठक के कहने पर घुटनों पर आता? आप इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। अरविंद राजभर के पिता मुख्तार अंसारी के बड़े करीबी थे। मुख्तार अंसारी इसी सामंती सोच के खिलाफ हुआ तो कानून की नजर में माफिया बन गया। आज सामंतवाद के लिए समाज में जगह नहीं है। पिछड़े दलितों के पास भी बराबर के अधिकार हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगते अरविंद राजभर को देखकर लगता है कि पूर्वांचल की हवाओं में सामंतवाद अभी भी है और किसी ना किसी तरीके से दिख ही जाता है। दोस्तों, अरविंद राजभर घोसी से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार हैं। पहले राजभर जी की पार्टी सपा के साथ गठबंधन में थी। जब सपा के साथ गठबंधन में थी तब बीजेपी को बहुत कोसती थी। अब राजभर जी की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में आ गई है तो पहले बीजेपी वालों को जो भी बुरा भला सुभाषपा की तरफ से कहा गया था उसके लिए अब घुटनों पर बिठाकर माफी मंगवाई गई है। सिंधिया भी तो कांग्रेस में थे, बीजेपी को बहुत गरियाते थे, क्या सिंधिया को घुटनों पर बिठाकर बीजेपी ने कभी माफी मंगवाई? नहीं मंगवा सकते, वो सिंधिया हैं। सिंधिया को छोड़ दीजिए, ब्राह्मण नेता जितिन प्रसाद कांग्रेस से बीजेपी में आए। जब कांग्रेस में थे तो बीजेपी को बहुत कोसते थे, क्या पीलीभीत में टिकट देकर जितिन प्रसाद को घुटनों पर बिठाकर माफी मंगवाई गई? अरे रितेश पांडे बसपा छोड़कर बीजेपी में आए, अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी बसपा में रहकर बीजेपी को बहुत कोसते थे, क्या पांडे जी को घुटनों पर लाने की हिम्मत ब्रजेश पाठक जी की या फिर कभी बीजेपी की हो सकती है? नहीं। राजभर जी को ही आखिर क्यों घुटनों पर लाया गया? अब इसका जवाब आप कमेंट में लिखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, इस धरती पर ऐसा कौन आदमी है जो अपनी बेइज्जती स्वीकार कर लेता है? अरविंद राजभर जी का भी कहना है कि यह अपमान नहीं है, यह आशीर्वाद है। लेकिन अरविंद भाई, ईश्वर किसी को ऐसा आशीर्वाद ना दे जिसमें नाक रगड़नी पड़ जाए। और सिर्फ यही नहीं, राजभर जी के बेटे का बीजेपी के मंचों पर उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है उसके लिए आप ये जरा दूसरी क्लिप देखिए। इसमें मंच संचालक कह रहा है अरविंद राजभर जी आप खड़े हो जाइए, उप मुख्यमंत्री खड़े हैं, फिर गुस्से में कहता है खड़े हो जाइए, उसके बाद ध्यान आया तो अरविंद ठीक कह दिया। मैं राजभर जी के बेटे को रोस्ट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्यों करूंगी, कोई मतलब नहीं है, लेकिन माफी मंगवाने का दूसरा तरीका भी हो सकता था। अरविंद जी की जगह पर कोई दूसरा होता तो पाठक जी के पास तब दूसरा तरीका जरूर निकल आता, लेकिन राजभर जी की संतान के लिए पाठक जी को इससे ज्यादा सम्मानजनक कोई और तरीका माफी मंगवाने का सूझा नहीं। ऐसा क्यों है आप कमेंट में बता सकते हैं। नमस्कार।